हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, आपका पेपर हुआ था कब, 2 अप्रैल को, कौन सा रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 का। नाउ बच्चों का बहुत हैवी डिमांड था कि सर सॉल्यूशन लेके आया जाए, सॉल्यूशन लेके आया जाए इस पर्टिकुलर पेपर का, और साथ में एनालिसिस भी कीजिए। देखिए, मैंने एनालिसिस आपके लिए रिलीज कर दिया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सर एनालिसिस में आपने ये नहीं बताया कि भैया एनवायरमेंटल में जो सिलेबस से आउट था वो भी पूछ लिया गया। मैंने कहा वेट करो, आ रहा हूँ आपको एनवायरमेंट का सॉल्यूशन लेके, और वहाँ पे सब कुछ बताऊंगा, इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि इंक्लूड नहीं था, फिर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत आए हैं, और क्या सर एनवायरमेंटल का वेटेज इतना हाई हो सकता है। बिल्कुल, ये सब देखेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। अभी मैं आपका डील करने वाला हूँ एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड सीपीएम को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन लेके आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो भैया कि अगला वीडियो आए तो फटाफट से हमें नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप नए बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड की हुई है, वहां जाइए, गूगल फॉर्म को फिल करिए और मेरी टीम आपको कॉल करेगी। ठीक है, नाउ जो बच्चे भी थोड़े भी हताश हो चुके हैं या थोड़े भी डर चुके हैं इस पेपर को देख के, देखो डरने की बात ऐसे थी नहीं, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था कि हम क्लियर कर ही ना पाए। कट ऑफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एनालिसिस में। ठीक है, नाउ अभी आपके पास एक और फेवरेबल चांस है इन योर GWSSB क्लास 2 एग्जाम, जो कि 2 महीने के अंदर डेफिनेटली होने वाला है। तो अभी के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपका एक और एग्जाम लगा हुआ है बैक टू बैक, एक और एग्जाम आपका बैक टू बैक लगा हुआ है ना। सिर्फ करना क्या है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और ताकि आप उस एग्जाम में कम नेगेटिव मार्किंग के साथ उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। नाउ प्रैक्टिस के लिए करना क्या पड़ेगा, तो मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और वो भी ट्राई करो ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने का। मेरी टीम आपके लिए ऑफलाइन मॉक टेस्ट लेके आने वाली है, मैं अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूंगा आपके लिए। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको बड़ौदा आना पड़ेगा उस ऑफलाइन मॉक टेस्ट को देने के लिए। क्लियर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नौ बच्चों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्या पूछा गया है, सरफेस ओवरफ्लो रेट कैन बी सेड टू बी रिप्रेजेंटिंग द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द। नाउ जरा ध्यान सुनिएगा, हमसे बोलता है क्या बात बताना भैया, सरफेस ओवरफ्लो रेट यानी वी नॉट। अब वी नॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अगर हम लोग वी नॉट को कंपेयर करें सेटलिंग वेलोसिटी, तो किसकी सेटलिंग वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने V0 को बोल दिया भैया जिस रेट से हम पानी डाल रहे हैं इस कंटेनर में V0, अगर ये सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो कि मैक्सिमम डायमीटर का है, ठीक है, देखो दो आपके पास पार्टिकल हो सकते हैं, एक मैक्सिमम डायमीटर का, एक मिनिमम डायमीटर का पार्टिकल। नाउ मैक्सिमम डायमीटर वाला पार्टिकल का साइज बड़ा है, अब साइज बड़ा है तो सेटल कर जाएगा इमीडिएटली, तो इसकी सेटलिंग वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसकी सेटलिंग वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। लेट अस सपोज इसको बोल देते हैं VSB, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ बिग पार्टिकल, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल बहुत छोटा है। अब बहुत छोटा पार्टिकल है मतलब बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है, अब सेटल डाउन होने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा इसको, तो भैया इसकी सेटलिंग वेलोसिटी कम होगी। मैं बोल देता हूं भैया VS स्मॉल VSS। नाउ सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ बिग पार्टिकल इज ग्रेटर देन सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्मॉल पार्टिकल, हाँ या ना। अब हम बात करें कि ओवरफ्लो रेट किसके बराबर होना चाहिए, तो भैया जो सबसे स्लोवेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, उसके बराबर होनी चाहिए, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, अगर वी नॉट VSS से ज्यादा हो गया, अगर ओवरफ्लो रेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा हो गया, समस्या क्या हो जाएगी, ये पार्टिकल सेटल डाउन ही नहीं कर पाएगा, छोटा वाला पार्टिकल सेटल डाउन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो पानी का फ्लो होकर आगे निकल जाएगा। तो अगर इसको सेटल करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सरफेस ओवरफ्लो रेट को किसके बराबर रखना पड़ेगा, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द स्लोएस्ट सेटलिंग पार्टिकल विच आर 100% रिमूव्ड, ठीक है, क्योंकि रिमूवल एफिशिएंसी भी हमको 100% चाहिए, तो किसके बराबर रखना पड़ेगा, स्लोएस्ट सेटलिंग पार्टिकल के सेटलिंग वेलोसिटी के बराबर। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बढ़िया क्वेश्चन आया था, यहां बच्चे ना अपना दिमाग लगा के आए, देखो क्या क्वेश्चन ना बहुत इजी था, मतलब दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन आया था। क्या बोलता है क्वेश्चन, ये सुनिएगा,
6 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इज पासिंग थ्रू अ सेडिमेंटेशन टैंक डेली, मतलब भैया 6 मिलियन लीटर का पानी एक टैंक में पास हो रहा है डेली, यानी डिस्चार्ज कितना हो गया, डिस्चार्ज हो गया 6 मिलियन लीटर पर डे का, 6 एमएलडी का डिस्चार्ज हो गया। नाउ क्या बोलता है, इफ द रिटेंशन टाइम ऑफ द टैंक इज 4 आवर्स, मतलब जो पानी टैंक के अंदर रख रहे हैं आप वो 4 आवर्स के लिए रख रहे हैं, टाइम कितना हो गया 4 घंटे, 4 आवर्स। तो पूछता क्या है, then volume of the tank would be, और मैंने आपको कई बार बोला है, कई बार environmental में formula को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ unit भी याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। Now volume मांगा है, volume के लिए unit किसमें दी हुई है, million liter, million liter, million liter, यानी million liter हमें दिख तो रहा है ये है। अब ये unit क्या है, discharge के million liter per day, अगर मैं इसको per hours में convert कर दूं तो मुझे सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अगर आपको याद हो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, हाँ या ना, हमें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने के बराबर आ जाएगा भैया, डिस्चार्ज इनटू टाइम, डिस्चार्ज कितना है हमारा 6 मिलियन लीटर का है, मैंने कहा ठीक है 6 मिलियन लीटर का है, किसमें एक दिन में, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे 24 आवर्स, और डिटेंशन टाइम कितना है भैया 4 आवर्स का, तो ये रहा 4 आवर्स। नाउ आर से आर गए, 6 4 24 6 4 24 24 24 गए, आंसर आ गया 0 एमएलडी, आंसर आ गया 0 मिलियन लीटर, हाँ या ना, अरे मक्का रो, 24 से 24 गया, आंसर आ जाएगा 1 मिलियन लीटर, आंसर आ जाएगा 1 मिलियन लीटर, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, ऑप्शन सी करेक्ट था। अब कई बच्चे इसमें 1.5 मिलियन लीटर टिक करके आ गए, उन्होंने क्या किया 6 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया सीधा सीधा, आंसर हो गया 1.5 का, और लगा के आ गया 1.5 मिलियन लीटर। और फिर बोलते हैं क्वेश्चन गलत आया है, अरे भाई यूनिट तो सेम कर देते पहले उसकी, ये एमएलडी में दिया हुआ था, इसको मिलियन लीटर पर आवर्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तब आंसर आएगा। तो हमने कन्वर्ट करके देखा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 मिलियन लीटर का आंसर आ गया। क्लियर है ये, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, बोलता है फॉर अ सेडिमेंटेशन टैंक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, यानी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में से सेडिमेंटेशन टैंक के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, एक एक करके देखते हैं। आइए, बोलता है सेटनिंग एफिशिएंसी इज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद हो एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, Vs अपॉन V0 into 100, हाँ या ना, सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट into 100। नाउ अगर आप ओवरफ्लो रेट का फॉर्मूला याद हो तो ये क्या होता है भैया, डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, हाँ या ना, V0 इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया into 100। नाउ कहीं पे भी डेप्थ का कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम लोग कहते हैं भैया कि एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट होती है किससे, डेप्थ से, डेप्थ पे डिपेंडेंट ही नहीं होती, ठीक है। तो ये भैया ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, पर क्या सर ये प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है, नहीं, प्रैक्टिकली डिपेंडेंट होती है डेप्थ पे, हम लोग जब इस फॉर्मूले को देखते हैं तो यहां से वो इंडिपेंडेंट निकल के आता है। तो हमने कहा ठीक है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं, बोलते हैं सेटलिंग एफिशिएंसी इज प्राइमरी डिपेंडेंट अपॉन द डेप्थ एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, कतई गलत है क्योंकि इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पहले स्टेटमेंट को, तो गलत हो गया ये गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है इंक्रीजिंग द सरफेस ओवरफ्लो रेट वुड लीड टू द इंक्रीज इन द सेटलिंग एफिशिएंसी, ये क्या बोल गया सर ये, देखो बोलता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, Vs अपॉन V0, बोलता है मैंने अगर ओवरफ्लो रेट को बढ़ाया, V0 को बढ़ाया, भैया V0 बढ़ा, V0 है कहां पे डिनोमिनेटर में, जैसे V0 बढ़ा ये पूरी टर्म क्या कर गई, रिड्यूस हो गई, और ये बोलता है कि अगर मैंने ओवरफ्लो रेट को बढ़ाया तो क्या बढ़ जाएगा, सेटलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कतई गलत है, कतई गलत है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी और V0, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हुआ, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, सिर्फ दिमाग लगाना था, कई बच्चे क्या समझ गए ना इसको कि सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, और जैसे समझ गए सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, उन्होंने क्या लगाया फार्मूला, यही वाला फार्मूला लगाया, और यहां से एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया हो गई, और उन्होंने क्या सोचा, सरफेस एरिया बढ़ रहा है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, बस अब इन्होंने क्या किया 1 एंड 3 को करेक्ट मार के आ गए, ऑप्शन सी को करेक्ट मार के आ गए। और फिर बोलते हैं सर ये तो क्वेश्चन ही गलत था, अरे क्वेश्चन गलत नहीं था भैया, पढ़ने में गलती कर गए तुम लोग, पढ़ने में गलती कर गए, है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आइए,
ना अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए ना ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। यहां तक अभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो सिलेबस के पार्ट में नहीं था, ये सब सिलेबस का पार्ट था तुम्हारे। जो सिलेबस का पार्ट नहीं है वो बताता हूँ कौन सा नहीं था, ठीक है। अब बोलता है एलम व्हेन एडेड टू रॉ वाटर रिएक्ट्स विद बाइकार्बोनेट अल्केलिनिटी सो एज टू फॉर्म अ जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ। बोलता है जब एलम बाइकार्बोनेट अल्केलिनिटी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है। वो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनता किस चीज का है, आइए देखते हैं। देखिए जब एलम रिएक्ट किया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अल्केलिनिटी के साथ तो एक स्टिकी जिलेटिनस सब्सटेंस बना, कौन, AlOH होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और यही वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या यही वो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है जो कि पूरे के पूरे कोएगुलेशन का वर्क करवाता है। क्यों, अगर यही नहीं बना, अगर यही कोएगुलेंट फॉर्म नहीं हुआ तो होगा क्या, पार्टिकल सेटल डाउन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भैया बहुत बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं ना सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। अब अगर बहुत बारीक बारीक पार्टिकल है, जैसे आपने कभी अगर देखा हो सूरज की रोशनी में बहुत बारीक बारीक पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, अब वो बारीक बारीक पार्टिकल ना अपने आप सेटल डाउन नहीं हो सकते, उनको केमिकल चाहिए। हमने केमिकल कौन सा डाला, एलम डाला हमने। जैसे एलम रिएक्ट करता है बाइकार्बोनेट के साथ एक चिपचिपा सा पदार्थ बनता है और ये चिपचिपा सा पदार्थ उन सारे पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेगा, उनको अपने साथ जोड़ेगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार होगा और ये बड़ा मॉलिक्यूल अपने वेट के कारण सेटल डाउन कर जाता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या बोलता है, एलम व्हेन एडेड टू रॉ वाटर रिएक्ट्स विद बाइकार्बोनेट अल्केलिनिटी टू फॉर्म अ जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, क्लियर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जहां पे भी स्टेटमेंट गलत होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आइए नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाइल कंपेयरिंग द एलम एंड आयरन सॉल्ट्स टू बी यूज्ड एज कोएगुलेंट्स Which of the following statements are true? अगर हम आयरन और एलम को एज ए कोएगुलेंट यूज कर रहे हैं तो कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या भैया, आयरन सॉल्ट्स प्रोड्यूस हैवी फ्लॉक एंड कैन देयरफॉर रिमूव मच मोर सस्पेंडेड मैटर देन द एलम। मैंने बोला ठीक है यार, ठीक है, करेक्ट होगा ये। बोलो क्यों करेक्ट है, आगे देखते हैं अभी, ठीक है। दूसरा, आयरन सॉल्ट्स बीइंग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर, यानी H2S को भी रिमूव कर देंगे। मैंने कहा ये भी करेक्ट है। बोलो कैसे करेक्ट हो रहा है, आइए ये देखिए, कंपैरिजन किया है एलम एंड आयरन सॉल्ट्स का। क्या लिखता है, आयरन सॉल्ट्स प्रोड्यूसेस हैवी फ्लॉक्स एंड रिमूव मच मोर सस्पेंडेड मैटर देन द एलम। यानी आयरन के सॉल्ट्स जो होते हैं वो हैवी फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं और ज्यादा सस्पेंडेड मटेरियल को रिमूव करते हैं एज कंपेयर टू एलम, पहली चीज। दूसरा, आयरन सॉल्ट्स आर प्रिफर्ड फॉर वेस्ट वाटर एंड एलम इज प्रिफर्ड फॉर सप्लाई ऑफ रॉ वाटर। यानी जनरली आयरन को हम लोग वेस्ट वाटर के लिए यूज करते हैं और एलम को हम लोग यूज करते हैं हमारे पीने के पानी के लिए। नाउ ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें लिख दी हैं मैंने आपके लिए। ये सारी के सारे इसकी प्रॉपर्टी है या कंपैरिजन है एलम का और आयरन सॉल्ट्स का, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, इसी वजह से यहां आया है बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अच्छा क्वेश्चन आया है फ्रॉम द स्लो सैंड फिल्टर। क्या बोलता है, What is the role of gravel in a slow sand filter? अगर आपने gravel layer को देखा तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है support करना sand के layer को। क्या होता है, support करना sand के layer को। तो बोलता है it support the sand layer, definitely वही उसका purpose है। It distributes the wash water, क्या वो distribute करता है wash water को, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Statement गलत हो गया, यानी only statement one is correct, only statement one is correct, ठीक है। Move करते हैं next question की तरफ। बहुत सर बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हो, क्या दिक्कत है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, ज्यादा डिस्कशन का कोई गुंजाइश बचता नहीं है क्योंकि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं तो सारे सॉल्यूशन इसलिए लेके आता हूँ भाई कि बच्चे को ना कभी भी ऐसा नहीं लगे कि ये क्वेश्चन छूट गया हमसे, है ना, या ये क्वेश्चन का आंसर अभी समझ में नहीं आया और मुकेश सर ने बताया नहीं, इसलिए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला बोलता है रेसिडुअल क्लोरीन कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। यानी रेसिडुअल क्लोरीन निकालने के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट तो होता ही होता है, आपको पता ही है कि ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट तो होता ही होता है। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट भी होता है जो फ्री क्लोरीन को निकालने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन बोलता है For which of these elements the permissible concentration in drinking water is less than 1 milligram per liter? यानी permissible limit in particular copper, selenium, iron और zinc की, इनमें से किसकी permissible limit 1 milligram per liter से कम की है?
देखिए इस क्वेश्चन को समझना होगा तो हमको आईएएस 10500 को देखना पड़ेगा, आईएएस 10500 को, और 10500 को अगर हम देखते हैं तो क्या बोलता है, ऐसे कौन से यहाँ पे एलिमेंट है जिनका परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर के अंदर लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर का है। कॉपर, इसकी परमिसिबल लिमिट 1.5 मिलीग्राम पर लीटर की, यानी ज्यादा है 1 से, ठीक है। दूसरा आयरन, आयरन की लिमिट नो रिलैक्सेशन है, मतलब बहुत कम या अलाउ ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 1 से तो कम ही हो गया ये। फिर आता है अगला क्या, सेलेनियम, सेलेनियम क्या भाई, नो रिलैक्सेशन है, यानी 1 से कम है ये भी। और लास्ट आता है हमारे पास जिंक, जिंक का कितना है भैया, 15 मिलीग्राम पर लीटर का, ठीक है। तो भैया दो ही ऑप्शन करेक्ट दिखते हैं, आयरन एंड सेलेनियम, तो कौन से ऑप्शन थे भैया इसमें, आयरन एंड सेलेनियम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड, जिनका परमिसिबल लिमिट यहाँ पे 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम का होगा। तो ये 1, 2, and 3 मुझे गलत लगता है, गलत है ये, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे ना हमको क्लोजेस्ट ऑप्शन नहीं देखना, क्योंकि ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड एंड थर्ड मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो हम क्यों जाएंगे थर्ड पे भी, ठीक है, हम क्यों थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे जहां पे फर्स्ट को भी वो ले रहा है, क्योंकि फर्स्ट में जो परमिसिबल लिमिट है वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर दे दी है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने सेलेनियम और आयरन को सिलेक्ट किया है। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन में पूछता है बेटा आपसे, फॉर विच ऑफ दीज एलिमेंट देर इज सम रिलैक्सेशन इन द परमिसिबल लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स, यानी यहाँ पे किसकी परमिसिबल लिमिट हमने कुछ ना कुछ अलाउ की हुई है, तो देखते हैं किस किस की बात कर रहा है, सल्फेट की बात करता है, नाइट्रेट की बात करता है, सल्फाइड की बात करता है, आइए देखते हैं। सल्फेट, क्या सल्फेट की कुछ अलाउड है लिमिट, हाँ सल्फेट की लिमिट अलाउड है परमिसिबल में, ठीक है। क्या नाइट्रेट की अलाउड है क्या, नो रिलैक्सेशन, देखिए परमिसिबल लिमिट नो रिलैक्सेशन है, यानी ये अलाउड नहीं है यहाँ पे परमिसिबल में। एंड एक और क्या बचा, सल्फाइड, तो सल्फाइड की भी नो रिलैक्सेशन है यहाँ पे, यानी सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ किया गया है, सल्फेट को अलाउ किया गया है, सल्फेट की परमिसिबल लिमिट, ठीक है, कुछ ना कुछ अलाउड की गई है पानी में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है भैया, ऑप्शन 1 सल्फेट, ठीक है, तो ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए, क्लियर। थोड़ा क्वेश्चन को समझना था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जीपीएससी के, मैंने आपको क्लास में ही बताया हुआ है, ठीक है, और मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में भी पहले भी बताए हुए हैं कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ना बोलता है अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन द वाटर एट रूम टेम्परेचर। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पहले से पता है, क्योंकि आपने हमेशा जब भी आपने हार्डनेस रिमूव किया तो आपने देखा होगा हर बार हार्डनेस किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, चाहे वो हार्डनेस मैग्नीशियम की हो चाहे वो कैल्शियम की हो, आप रिमूव करते हैं जब, तो वो किस फॉर्म में रिमूव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनकर सेटल डाउन करता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है वो जाके सेटल डाउन हो जाए नीचे, ठीक है, तो लीस्ट सॉल्युबिलिटी किसके, कैल्शियम कार्बोनेट की, दैट्स व्हाई CaCO3 इज करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अब ना मैं एक जीपीएससी से बात बोलना चाहता हूं भाई, ठीक है, अगर जीपीएससी वाले मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और मेरे को सुन रहे हो, तो एक बात बोलना चाहता हूं। देखो हर बार आप लोग सिलेबस रिलीज करते हो, हां या ना, हर बार करते हो, ठीक है, आप हर बार जब भी सिलेबस रिलीज करते हैं तो आप लोग या तो उस समय थोड़ा सा केयरफुली सिलेबस को डिजाइन करिए, ठीक है, कारण क्या है, बच्चा मिसगाइड हो जाता है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा पढ़ने को तैयार भी है, बट आप लोग जो सिलेबस रिलीज करते हैं ना, वहां से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। आपने लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था नर्मदा का, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, नर्मदा के पेपर में आपने ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड नहीं किया था, आपका ब्रिज इंक्लूड था, पर उस समय आपने ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन पूछ दिए थे, हाँ या ना, ठीक है, उस समय भी आपने गलती की थी, उस समय बच्चों ने सफर किया था उस पेपर में, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, मुझे आज भी याद है, क्योंकि सॉल्यूशन उस समय भी मैंने रिलीज किया था और मैंने कहा था कि भैया थोड़ा सा आप लोग ना केयरफुली पेपर को डिजाइन करें, आप लोग सिलेबस को केयरफुली डिजाइन करें, क्योंकि बच्चा सफर कर जाता है। मैं मानता हूं कि आपके ऊपर भी प्रेशर काफी है, आपको भी काफी एग्जाम्स कंडक्ट करने पड़ते हैं एक साल के अंदर अंदर, बट फिर भी बच्चा सफर कर रहा है ना सर। आपने पूरा पेपर किसके लिए करवाया, बच्चों के लिए, हम किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मेनली बच्चों को जब सोचा जा रहा है, तो आप ये सोचिए ना कि जब सिलेबस डिजाइन करते हैं आप लोग, या तो पूरा सिलेबस कॉमन कर दो आप हर एग्जाम के लिए, तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, सब पढ़ना रहे, और अगर आप सिलेबस डिफरेंट कर रहे हो तो भैया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछो ना बच्चों से। अब इस पेपर में आपने क्या किया, रोड एंड बिल्डिंग के पेपर में आपने लास्ट मोमेंट पे जाके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डाला, मैंने कुछ भी नहीं बोला आपको, मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डाला क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल, मैं भी मानता हूं, आपने वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया, अच्छी बात थी क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आज की डेट में पढ़ने के लिए, ठीक है।
आपने एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डाला ही नहीं, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन डाला ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, मैं अगर आप देख पा रहे हो तो ये सिलेबस है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ठीक है, अब देखिए आप, आपने डाला वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। अब मैं आपको एक टॉपिक भी पढ़ के दिखा देता हूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा आपने कहीं हिडन रखा इस टॉपिक में अंदर। देखिएगा जरा ध्यान से, सोर्सेज ऑफ वाटर एस्टिमेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ वाटर देयर ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट इन वाटर इट्स इफेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स वाटर ट्रीटमेंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। कहीं पे भी एयर नॉइस का नाम आया क्या? कहीं पे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नाम आया क्या? नहीं। ठीक है, बोलोगे वेस्ट वाटर में आएगा, मैं वेस्ट वाटर का ही पूरा पढ़ देता हूँ। प्लांट एंड डिजाइन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, ठीक है, सीवेज कलेक्शन एंड एयर डिस्पोजल प्लम्बिंग सिस्टम्स कंपोनेंट एंड लेआउट ऑफ सीवरेज सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम स्लज मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट डिस्पोजल एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल सीवेज मैनेजमेंट। सर कहां यहां पे एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आया? अब बच्चा पढ़ के गया मात्र इतने टॉपिक्स, सर, और आपने पेपर में नियरली वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जिसको हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं एंड एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन इनका वेटेज एकदम बराबर रख दिया आपने। बताइए बच्चों के साथ नाइंसाफी की कि नहीं की आपने? बच्चा पढ़ के जाता अगर आप डालते यहां पे सिलेबस के अंदर तो बच्चा डेफिनेटली पढ़ के जाता, आपने सिलेबस पे डाला क्यों नहीं? चलो नहीं डाला तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मेरे भाई? आप ये तो देखो बच्चा कहां से पढ़ेगा, जब सिलेबस में ही नहीं है तो बच्चा पढ़ के कहां से जाएगा? तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं आपसे, कि अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम से पेपर को डिजाइन कर रहे हैं तो कम से कम सिलेबस कॉमन कर दो आप सारे एग्जाम्स का। मैं तो बोलता हूं कॉमन ही कर दो, सेम ही कर दो हर एग्जाम का। अगर सेम ही कर दिया आपने तो बच्चा भी कंफ्यूज नहीं होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों से जितने भी एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जितने भी एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन क्वेश्चन आए हैं आप उसके लिए पेज इनने प्रोवाइड किया हुआ है जीपीएससी ने, आप सबसे पहले अगर देखते हैं ना सॉल्यूशन के पेज पे, जो आपको सॉल्यूशन की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है वहां पे कोई भी क्वेश्चन अगर गलत लगता है आपको या कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहां पे अप्लाई करिए, आप सारे के सारे एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन क्वेश्चन डाल दो वहां पे। भाई आप लोगों का कट ऑफ आप लोगों का नहीं निकल पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतना करना पड़ेगा आपको। ये मेरी रिक्वेस्ट है जीपीएससी से भी कि सर आप लोग पेपर को जब डिफाइन कर रहे हैं या पेपर को डिजाइन कर रहे हैं आप लोग तो सिलेबस को प्लीज दिमाग में रख के करिए। और स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आता है भैया तो प्लीज उसके लिए अपना वॉल्यूम रेज करिए। आप जैसे आप आंसर की का देखते हैं ना, आंसर की का सबसे पहला पेज उसमें सबसे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आउट ऑफ द सिलेबस आया है गलत है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका बात मानी जाएगी और उस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये करो भैया जाके, ये करो सबके सब। ठीक है, इसका पूरा प्रोसीजर भी समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, आप सबका भला होगा, किनका? स्टूडेंट्स का। और जीपीएससी सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोचें आप, क्योंकि बच्चा ना सर एक साल डेढ़ साल दो साल से मेहनत कर रहा है बच्चा, और जब ऐसा पेपर देके आता है तो हमें पता है जब बच्चा हमसे पूछता है तो वो डर जाता है बच्चा ऐसा पेपर देके। तो थोड़ा सा सर, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, सिलेबस कॉमन कर दें आप, बच्चा सब पढ़ के जाएगा ना, बच्चे को सब पढ़ना ही है ना, सब पढ़ के ही जाएगा वो बच्चा, बट थोड़ा सा बच्चों के बारे में भी सोचें सर। ओके, चलिए अब यार देखो क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स आए हुए हैं, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन आए, बट मुझे सॉल्यूशन बताना पड़ेगा तो अपन सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द करंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन OSHA परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज डैश एज एन 8 आवर टाइम वेटेड एवरेज। इसके लिए पूरा लेके आ गया हूं आपके लिए, क्या सॉल्यूशन है भैया इसका, कितना है, 50 पार्ट्स पर मिलियन होता है, 50 ppm के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका,
50 ppm, ये रहा करेक्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग एट ऑल द लोकेशन। रेगुलर मॉनिटरिंग एट ऑल द लोकेशन पे कौन कौन से पॉल्यूटेंट को आप देखते हैं, तो देखिए PM2.5 इन पर्टिकुलेट मैटर को देखा जाता है। ठीक है, फिर बात करें हम NOx को भी देखा जाता है, O3 को नहीं देखते और कार्बन मोनोक्साइड को भी नहीं देखते। और कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आता है NO2 यानी NOx एंड SOx, फिर आपका आता है पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, फिर आता है पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5 दोनों आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको हर जगह पे मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हर जगह पे मॉनिटर करना पड़ेगा, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या था भैया, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इवॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स फॉर मॉनिटरिंग। किस चीज को मॉनिटर करने के लिए भैया, यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स CEPI मॉनिटरिंग फॉर पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरियाज PIAs। ठीक है, तो किसके लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए है ये। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन थे, बट थोड़े से ना अच्छे क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं से नहीं है, ये कहीं ना कहीं से उठाए हुए हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA से उठा लिया, ठीक है, CEPI से उठा लिया, तो ये अंदर अंदर जो डेटा उठा के लेके आए हैं और वो पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो एस सच ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते नहीं है पेपर में, इस बार पूछ लिया है और वो भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, क्या ही कर सकते हैं अपन, कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आंसर हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन हट जाएंगे। ओके, आइए, अंडर द रूल नंबर 9 ऑफ द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2008। क्या बोलता है, अंडर द रूल नंबर 9 ऑफ द हैजार्डस वेस्ट। अब रूल नंबर 9 ऑफ द हैजार्डस वेस्ट क्या बोलता है भैया, द ऑक्यूपायर जनरेटिंग द हैजार्डस मे सेल इट टू अ रिसाइक्लर हैविंग अ वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम CPCB फॉर रिसाइक्लिंग और रिकवरी। यानी जो भी हैजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस किया हुआ है उसको सेल करना पड़ेगा, किसके लिए, रिसाइक्लिंग के लिए। ठीक है, क्यों, अगर उसको आपने डायरेक्टली ऐसे एनवायरमेंट में फेंक दिया तो वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, इसी वजह से उसकी रिसाइकिलिंग के लिए उसको बेचना पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक रूल में से उठाया हुआ है ये। ठीक है, बट एज सच कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये गेट में पूछता है इस लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, गेट में पूछता है इस लेवल क्वेश्चन, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट, वॉल्यूम ऑफ अनकॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है, द डेली कवर ऑफ अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमको अगर डेली का लैंडफिल का कवर करना है, ऊपर से कवर करना पड़ता है ना, जो भी हमने रिफ्यूज और नाइट सॉइल डाला उसको कवर करना पड़ता है। कवर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी प्रोवाइड करते हैं, ऊपर से कॉम्पैक्टेड सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या है भैया ऑप्शन, compacted soil is correct option here. Okay, compacted soil देना पड़ता है आपको। अगला क्वेश्चन है, बोलता है बेटा, in the noise pollution regulation and control rules 2000, night times mean the period between। अब night time कहाँ पे होता है भैया, तो 10 से 6 बजे का होता है, रात को 10 बजे से 6 बजे तक में। ठीक है, ज्यादा तेज वॉल्यूम में आप कुछ भी नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, ये लिखा हुआ भैया पूरी डेफिनेशन, मैं आपके लिए पूरा डेफिनेशन ले आया, इसमें आपको लास्ट पॉइंट देखना, जे पॉइंट, नाइट टाइम्स मीन द पीरियड बिटवीन 10 PM टू 6 AM। ठीक है, ये सारे के सारे इसी के पॉइंट्स हैं, बट मैं आपके काम का ले आया 10 PM से 6 AM तक के पीरियड को हम लोग नाइट टाइम बोलते हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में था, क्या इन सीवरेज सिस्टम ड्रॉप मैन होल्स आर प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड। कैसा दिखता है ये, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक, कब प्रोवाइड किया जाता है, जब डिफरेंस इन एलिवेशन होता है तब इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगला, इन द डिजाइन कंसीडरेशन ऑफ सीवरेज सिस्टम द सीवर्स मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सीवर में क्या होना चाहिए इसमें से, तो बोलता है मैक्सिमम वेलोसिटी नॉट लेस देन द सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी, बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम वेलोसिटी नॉट लेस देन द स्कोरिंग वेलोसिटी, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम वेलोसिटी नॉट लेस देन द सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी, ये करेक्ट ऑप्शन है। कभी भी मिनिमम वेलोसिटी जो सीवर की है ना, वो सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती, नहीं तो क्या होगा, पार्टिकल वहीं सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, पार्टिकल आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी के बराबर एटलीस्ट मिनिमम वेलोसिटी को होना चाहिए, तो मिनिमम वेलोसिटी नॉट लेस देन द सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, देखिएगा, मिनिमम वेलोसिटी आल्सो नोन एज सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट विच देयर इज नॉन सेटलमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ सीवर।
मान लो आपने मिनिमम वेलोसिटी को सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी से कम कर दिया तो क्या होगा, पार्टिकल वहीं सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, सीवर साफ ही नहीं कर पाएगा अपने आप को, ठीक है। तो कम से कम आपको सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी से ज्यादा या उसके बराबर तो रखना ही पड़ेगा मिनिमम वेलोसिटी को, ठीक है। बोलता था मिनिमम वेलोसिटी जनरली फॉलोड आर सैनिटरी सीवर होगा तो 0.6 मीटर पर सेकंड का, पार्शियली कंबाइंड सीवर होगा तो 0.7 मीटर पर सेकंड का, एंड स्टॉर्म सीवर होगा तो 1 मीटर पर सेकंड का। नाउ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है अगले बार आपके GWSS में पूछ ले, जिस तरह से चल रहा है बार 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 आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ रहे, तो ये भी पूछ सकता है अगली बार आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगेन ये सब क्वेश्चन ना डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन वो है कि कोई पेपर अगर टफ बनाने बैठा है तो फिर वो इस टाइप के क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इन कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस MLSS इज जनरली कैप्ट इन विच रेंज, ठीक है, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड किस रेंज में होता है आपका कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, तो ये जनरली होता है 2000 से 3000 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में, ठीक है। देखिए सारा डेटा ले आया हूं आपके लिए कि भैया प्रोवाइड्स BOD5 रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ 85 to 95%, टिपिकली जो MLSS होता है वो 1000 से 3000 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में होगा, ठीक है। SRT जो होगा वो 3 से 15 दिन के बीच में होगा, और F/M रेशियो जो है वो 0.2 से 0.4 के बीच में होगा, ठीक है। तो बताओ सारे डेटा इससे लेके आया हूँ ना इस बार, अब मेरे को भी ऐसा लगने लगा कि अगले बार GWSS में पता नहीं क्या ही पूछ ले, ठीक है, ये पूछ ले कि एनवायरमेंटल इंजीनियर किसने बना दिया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओके आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है अ म्युनिसिपल सीवेज हैज BOD5 ऑफ 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, एक म्युनिसिपल सीवेज इसकी BOD5 कितनी है, 200 मिलीग्राम पर लीटर की। बोलता है इट इज प्रपोज टू ट्रीट इट एंड डिस्पोज इट इनटू अ मैरिन एनवायरनमेंट, ठीक है, मरीन एनवायरनमेंट में डालना है उसको, फॉर व्हाट मिनिमम एफिशिएंसी शुड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बी डिजाइन। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए जब आप मरीन उसको डिस्पोजल कर रहे हैं उस समय BOD5 कितना होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा। जब आप मरीन डिस्पोजल करते हैं तो उस समय जो आपको BOD रखनी है पानी की, वो आप कितनी रखेंगे, 100 मिलीग्राम पर लीटर के रखेंगे। इनिशियली पानी का कितना था BOD, 200 मिलीग्राम पर लीटर था, तो इनिशियल 200 मिलीग्राम है, जब आप उसको डिस्पोज करें तो 100 मिलीग्राम पर लीटर आपको रखना है, तो कितना आ गया BOD रिमूवल भैया, 200 - 100 / 100, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 निकल के आता है 50% का, कितना आ गया 50%। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 50% इज करेक्ट। ओके नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है मैंने अ हाई COD टू BOD रेशियो मींस दैट द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैज वेरी लेस ऑर्गेनिक मैटर व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पे, क्या करेक्ट हो जाएगा, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस थे, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया वहां बहुत ही सिंपल पूछ दिया, जहां पूछा है टफ तो वहां पे एकदम ही टफ पूछ दिया है कि बने ही ना फिर तो, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन में पूछते हैं बेटा, इन अ सिटी ड्रेनेज सिस्टम हैविंग ड्रेनेज टू सीवेज रेशियो S20 द पीक ड्राई वेदर फ्लो वुड अमाउंट्स टू, तो देखते हैं सॉल्यूशन को आइए। बोलता है ड्रेनेज टू सीवेज रेशियो दिया हुआ है, यानी QD / QS का रेशियो देख रखा कितना 20, तो यानी QD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 20 × QS, ठीक है। नाउ अब अगर हम रेनी वेदर में देखते हैं, रेनी वेदर में टोटल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा भैया, QD + QS, ठीक है। नाउ QD की वैल्यू कितनी है, 20 QS, और QS हो जाएगा तो भैया 21 QS के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया रेनी वेदर में, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आइए पीक ड्राई वेदर में देखते हैं, पीक ड्राई वेदर। अब अगर पीक ड्राई वेदर की बात करते हैं तो यहाँ टोटल डिस्चार्ज के बराबर हो जाएगा QD + QS। अब भैया ड्राई वेदर है तो स्टॉर्म वाटर कितना हो जाएगा, 0, तो QD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो Q किसके बराबर आ गया, QS के बराबर आ गया। नाउ हमको क्या निकालना है, ड्राई वेदर कंडीशन टू रेनी वेदर कंडीशन हमको रेशियो निकालना है। हमने कहा भैया ड्राई वेदर कंडीशन टू रेनी वेदर कंडीशन देख लेते हैं, रेनी वेदर कंडीशन, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, कितना आ जाएगा भैया, QS के बराबर आ गया ये देख लीजिए आप, Q = QS, और अगर हम लोग रेनी वेदर में देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 QS आ जाएगा × 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू एज 4.76। नाउ 4.76 मिल गई, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, स्लाइटली लेस देन द 5% ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, पर बनना चाहिए था आपसे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया,
बोलता है द फ्लो वेलोसिटी इन अ सीवर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्लो वेलोसिटी कभी भी ना लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होती है, याद रखिएगा। कैसे आपने निकाला, अगर आप फ्लो वेलोसिटी देखें Vs, ठीक है, कितना होता है 1 by n r to the power 2 by 3 s to the power 1 by 2। s क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया आपका, तो ग्रेडियंट पे तो डिपेंडेंट है ही, ठीक है। फिर n क्या हो गया, मैनिंग्स कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, यानी ये रफनेस पे भी डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। और r क्या हो गया भैया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंडेंट हो गई। तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट है, सिर्फ किस पे डिपेंडेंट नहीं थी, लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है यार, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, क्या पूछता है, एट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर अ फ्लो ऑफ 3 m³/s, यानी डिस्चार्ज दे दिया आपको कितने का, 3 m³/s का दे दिया बेटा आपको, ठीक है। बोलता है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ग्रिड चैम्बर विल बी अबाउट, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछता है। अब अगर आपको पता तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी होती है इन केस ऑफ आपका ग्रिड चैम्बर में, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.3 m/s की। नाउ निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, निकालना है, निकाल दीजिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा भैया, डिस्चार्ज अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, कितना 3 m³/s का और 0.3 m/s का। नाउ मीटर से मीटर गया, मीटर स्क्वायर बच गया, सेकंड से सेकंड गया, 3 / 0.3, 10 आ जाएगा आंसर, तो 10 m² का क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है ऑप्शन बी। नाउ ये आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है डिजाइन डेटा यहाँ पे जीपीएससी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिजाइन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम इनने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कहां से, फ्रॉम दी रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, ठीक है, और प्रेशर फिल्टर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने इसीलिए कहा था डिजाइन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन कभी बन नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो डिजाइन डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ना कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे बड़ा इजी पेपर आता है जीपीएससी का, हम तो निकाल ही लेंगे, ये पेपर ने दिखा दिया दूध को दूध पानी का पानी कर दिया, कि इतना इजी भी नहीं है, अगर नहीं पढ़ के गए हो गए या कभी तैयारी नहीं की है तो ये पेपर का आपका क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं भाई, सॉल्व करने की बात तो दूर की है, क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, ठीक है, डन। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है बेटा आपसे, बोलता है एन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूरिया प्रोड्यूसेस वेस्ट वाटर व्हिच लार्जली कंटेन्स यूरिया एंड अमोनिया, ट्रीटमेंट प्लांट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या आपका सीक्वेंस रहेगा, तो सबसे पहला रहेगा भैया लाइम डोजिंग एंड मिक्सिंग, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका हाइड्रोलिसिस, यानी कह सकते हैं भैया पहले नंबर पे ये रहेगा, दूसरे नंबर पे ये रहेगा, तीसरे नंबर पे क्या रहेगा भैया आपका अमोनिया स्ट्रिपिंग बाय एयर, एंड लास्ट ऑप्शन रहेगा नाइट्रिफिकेशन फॉलोड बाय डीनाइट्रिफिकेशन। तो भैया ऑप्शन क्या था, 4, 2, 3, 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो गलत नहीं था ये ऑप्शन, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, फ्रॉम द एग शेप्ड सीवर से, क्या बोलता है, फॉर द कंबाइंड सीवरेज सिस्टम एग शेप्ड सीवर आर प्रिफर्ड बिकॉज, नाउ कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए एग शेप्ड सीवर को क्यों प्रिफर किया जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ जब पढ़ाता था कि एग शेप्ड सीवर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, कंबाइंड सीवर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जब ड्राई सीजन आता है, मतलब जब आपका ये समझ लो समर सीजन आता है, तो पानी जो आप फ्लश करते हैं इन सीवर्स में वो उसका अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि भाई पानी ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कहीं पर पानी अवेलेबल नहीं होता, होता भी तो बहुत कम अमाउंट में होता है, जब पानी कम फ्लो करेगा, अगर आपको याद हो सर्कुलर सीवर को अगर एफिशिएंटली वर्क करना है तो कम से कम आधा डेप्थ तो फ्लो करना ही पड़ेगा, आधा। अब होता क्या है ना, अगर हमने सर्कुलर सीवर को बना दिया, ठीक है, ड्राई सीजन में और कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए बना दिया, तो ये पानी इतना ही फ्लो होता है, अब इतना ही फ्लो हुआ तो भाई ये एफिशिएंटली वर्क ही नहीं कर पाता, तो हमने कहा यहाँ पे अब यूज करो एग शेप्ड सीवर का, आप एग शेप्ड सीवर का इस्तेमाल करो, अब यहाँ पे पानी इतना फ्लो करता है इतना ड्यूरिंग समर सीजन, तो क्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन होता है दो सर्कुलर सीवर्स का, ये कॉम्बिनेशन होता है दो सर्कुलर सीवर्स का लाइक दिस, तो जो नीचे वाला सर्कुलर सीवर है इसके आधे डेप्थ पे फ्लो कर रहा है, यानी ये एफिशिएंटली वर्क कर लेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था भैया, दे ऑफर गुड फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग द ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एग शेप्ड सीवर में ये चीज, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए था। नाउ बोलता है व्हाट इज आरडीएफ इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आरडीएफ क्या होता है, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, क्या होता है भैया, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, ठीक है। अब अगर इसको देखते हो आप तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखता है, मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है, फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम कंबस्टिबल वेस्ट फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछता है को प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, को प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए,
हाँ सही है, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए बिल्कुल सही है, एंड वेस्ट हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू तीनों के लिए होता है, भैया 1, 2, and 3 ऑल आर करेक्ट। ओके चलिए मूव करते हैं फर्दर। अब बोलता है ये अगेन ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गया, फ्रॉम द क्लॉजेस से। बोलता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से जो 2016 में बना था, मैंडेट्स बफर जोन फॉर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एक्सीडिंग। अब इसका आंसर क्या है जरा देखते हैं। देखिए मैं लिख के लाया हूं, अ बफर जोन ऑफ नो डेवलपमेंट शैल बी मेंटेन्ड अराउंड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी एक्सीडिंग 5 tons पर डे ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा भैया, 5 tons पर डे कहां है, ये रहा ऑप्शन सी। क्लॉजेस से क्वेश्चन पूछा है, कहां से हम पढ़ पाएंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है क्लॉजेस से उठा रहा है, वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। अगला बोलता है द यूज्ड नीडल एंड सिरिंजेस एंड कंटामिनेटेड गेज जनरेटेड एट द हाउस होल्ड लेवल आर कैटेगराइज्ड एज। जो भैया यूज नीडल्स और सिरिंजेस होते हैं ठीक है, इनको किस टाइप के वेस्ट में आप जनरली रखेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए ये रहा डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट मींस डिस्कार्डेड पेंट ड्रम्स, जो हमारे पेंट्स के ड्रम होते हैं ना जो हमारा पेंट करने के बाद फेंक देते हैं हम लोग, वो किसके अंदर आएगा, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट के अंदर आएगा। पेस्टिसाइड्स कैंस, जो पेस्टिसाइड्स के कैंस आते हैं वो इसके अंदर हो जाएगा। CFL बल्ब्स ठीक है, जो हमारे बल्ब्स वगैरह खराब हो जाते हैं, CFL वगैरह खराब हो जाते हैं, वो भी इसी के अंदर आएंगे। ट्यूबलाइट्स इसी के अंदर आएंगे। एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो हम लोग घर में मेडिसिन रखते हैं ना, क्रोसिन और फलाना दवाइयाँ, और हम लोग कौन कौन से पेन किलर रखते हैं, नो दर्द प्लस और XYZ, हम लोग रख के रख देते हैं, फिर हमें पता चलता है भैया 2 साल बाद उसकी एक्सपायरी आ गई है, कभी कभी तो खा लेते हैं, बाद में पता चलता है अच्छा एक्सपायर हो गया था, अरे ठीक है बच जाऊंगा मैं, है ना। फिर ब्रोकन मर्करी थर्मोमीटर्स ठीक है, यूज्ड बैटरीज हम लोग फेंक देते हैं घर के अंदर, यूज्ड नीडल एंड सिरिंजेस एंड कंटामिनेटेड गेजेस एक्सेट्रा, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। ठीक है तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट के अंदर आएगा। ओके नाउ अगला क्वेश्चन, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट हायरार्की व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द सॉलिड वेस्ट शुड बी मैनेज्ड। नाउ इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, देखिए सबसे पहला प्रिवेंशन, फिर रिडक्शन, फिर रीयूज, फिर रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड डिस्पोजल। तो क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन भैया, प्रिवेंशन, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड डिस्पोजल, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। ओके तो यहाँ पे आपका खत्म होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिससे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने पूरे पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं, शायद एक आध क्वेश्चन रह गया हो, बट उसके ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती थी जितने टफ से टफ क्वेश्चन थे सारे डिस्कस किए मैंने। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आइए पहला क्वेश्चन पूछता है द मैक्सिमम लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट कंसीडर्ड एज पर IRC स्टैंडर्ड इज। अगर किसी ने ढंग से ना 2 दिन पहले का लेक्चर देखा हो, जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लेके आया था, तो वहां आपको बताया था मैंने लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होता था वो 0.35 से 0.4 के बीच में लाई करता था, अगर आपको याद हो तो, और जो लेटरल फ्रिक्शन था ये 0.15 का होता है ठीक है। और ये मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा 3-4 टॉपिक बताए थे आपको कि इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और वहीं से क्वेश्चन आए हैं आपको। तो भैया 0.15 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द लेटरल कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15 के बराबर। अगला बोलता है फॉर जनरल केसेस द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कंसीडर्ड इन रोडवे एज पर IRC स्टैंडर्ड इज। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए रोडवेज में एज पर इंडियन रोड कांग्रेस। देखो 0.35 कभी जीवन में नहीं होगा, 0.15 कभी नहीं होगा, 0.5 कभी नहीं होगा। कितना परसेंट होता है, अर्बन एरिया के लिए 4% का होता है ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 7% होता है, और माउंटेन एंड स्टीप टेरेन के लिए 10% होता है। हमारे से मैच कर रहा था 7%, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 0.07। क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, जो बताया ना वो भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन आपको पहले बता चुका था पेपर से पहले। अगला इफ वी इज डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व एंड लेटरल फ्रिक्शन एफ इज नेग्लेक्टेड फॉर सेफ कंडीशन देन द डिजाइन सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन इन मिक्स ट्रैफिक कंडीशन ई इज एक्सप्रेस्ड एज। अगर आपको पता हो तो भैया सुपर एलिवेशन फॉर्मूला क्या होता है, ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 R, ये फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, 0 मान लो, और मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है, डिजाइन स्पीड पे इसको जाना पड़ेगा, तो 75% ऑफ डिजाइन स्पीड लेना पड़ेगा, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.75 वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 R। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट वी स्क्वायर अपॉन 225 R, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, E इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 225 R। ओके सेम क्वेश्चन अगला, सेम का सेम क्वेश्चन है, बोलोगे कहां सेम है, देखो जरा, अकॉर्डिंग टू IRC एट हॉरिजॉन्टल कर्व द सुपर एलिवेशन बैलेंसेज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज करस्पॉन्डिंग टू कौन सी स्पीड, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड यानी 3/4 ऑफ डिजाइन स्पीड, यानी
3/4 ऑफ डिजाइन स्पीड, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड. ओके, अगला क्वेश्चन. द ट्रैफिक वार्निंग साइन बोर्ड्स नेक्स्ट टू द रोडवे आर ऑलवेज इन. जो आपके वार्निंग साइन बोर्ड्स होते हैं वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा. वार्निंग साइन जितने भी होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि भैया ट्रैफिक लाइट है, स्लिपरी रोड है, राउंड अबाउट है, वाई इंटरसेक्शन है, टू वे ट्रैफिक है. तो जनरली किस फॉर्म में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं. तो यहाँ पे ये ऑप्शन सर्कुलर मेरे को लगता है गलत है. ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए था ट्रायंगल, ट्रायंगल और ट्रायंगल. ठीक है, जो मैंने आपको दिखा भी दिए, ये सारे के सारे वार्निंग साइंस हैं आपके. ओके, नाउ अगला. Which of the following statements are true? बोलता है the centrifugal ratio decreases along the length of the transition curve. यानी भैया centrifugal ratio decrease होता जाता है, क्या सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, एकदम गलत है. ठीक है, फिर बोलता है the super elevation increases along the length of transition curve. जैसे जैसे length of transition curve पे आप negotiate करते हो, super elevation increase होता जाता है. मैंने कहा बिल्कुल सही है यार, तो only statement second is correct. ठीक है, पढ़ाया हुआ है पहले भी आपको और most expected question भी समझाया हुआ है आपको. Now, अगला. If the super elevation is not provided on a horizontal curve of a highway, then on which of the portion of the road are potholes likely to develop? अब देखो होता क्या है, मान लो ये कर्व था आपका, ये सर्कुलर कर्व है. अब यहाँ पे आपने सुपर एलिवेशन नहीं दिया और कोई व्हीकल यहाँ से नेगोशिएट कर रहा है इस डायरेक्शन में, होगा क्या? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ भागेगा और बाहर की तरफ भागेगा तो ये इस तरफ चल रहा होगा रोड पे, ठीक है, नियरली. और होता क्या है ना, आउटर व्हील पे, अब क्या होता है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप एकदम से ना कर्व पे मुड़ते हो तो पूरी की पूरी गाड़ी कुछ ऐसे पलटने को आ जाती है. मतलब जो इनर व्हील है ना, इनर व्हील अगर मैं दिखाऊं, ये अगर क्रॉस सेक्शन देख रहा होगा, यहां से काटा मैंने तो ये आपको दो व्हील दिख रहे होंगे, ये दो व्हील, ये आउटर डायरेक्शन है, आउटर डायरेक्शन, और ये इनर डायरेक्शन है. ये इनर व्हील कॉन्टेक्ट ही छोड़ चुका होता है रोड से, ये इनर व्हील कॉन्टेक्ट ही छोड़ चुका होता है रोड से और पूरा प्रेशर आ जाता है आउटर टायर पे, आउटर टायर पे. और इसकी वजह से क्या होता है, आउटर साइड ऑफ द रोड जो होता है ना, वहां पे रट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं, वहां पे पॉट होल्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आउटर व्हील्स पे होता है. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या था भैया, अगर सुपर एलिवेशन नहीं देते हैं तो पॉट होल्स कहाँ लाइकली टू डेवलप हो सकते हैं, कहाँ पे, आउटर एजेस ऑफ द रोड पे, आउटर एजेस ऑफ द रोड पे. ओके, अगला. Now, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व इफ अ 5% डाउनग्रेड इज फॉलोड बाय 2% अपग्रेड. तो चेंज इन ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो चेंज इन ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा कैपिटल एन. क्या होता है भैया, n1 माइनस n2 और पूरे का मॉड. नाउ n1 कितना है भैया, डाउन ग्रेडियंट है ना, माइनस 5% का चल रहा होगा, माइनस अपग्रेडियंट कितना है 2% का, तो 2% का ये आ गया, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 हो गया, मॉड माइनस वो खा गया, 7% का चेंज इन ग्रेडियंट निकल के आता है, 7% का. ठीक है, चेंज इन ग्रेडियंट आ गया हमारे पास. अब बोलता है एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.1% पर 25 मीटर लेंथ. तो भैया लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व ये हो जाएगा 7% का आपका चेंज इन ग्रेडियंट आया है और रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट कितना है 0.1% 25 मीटर लेंथ में. सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 1750 मीटर, 1750 मीटर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 1750 मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या बोलता है, स्ट्रिपिंग टेस्ट इज डन फॉर टेस्टिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ हाईवे मटेरियल. तो भैया स्ट्रिपिंग टेस्ट होता किसके लिए, ये होता है सिर्फ और सिर्फ बिटुमिन एडहेशन के लिए. ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं. Which of the following are a part of bridge substructure? Substructure का part क्या है? तो भैया pier substructure का part होता है, abutment भी substructure का part होता है और wing wall भी substructure का part होता है, पर girder हमेशा superstructure का part होता है, ये आपका जो है ये substructure का part नहीं होता. So कौन सा option correct है? First, second and third are correct here. Now यहाँ पे अब खत्म होता है transportation engineering. अब शुरू करते हैं क्या, construction planning and management CPM. Now CPM में पहला question क्या बोलता है आपसे, इट इज एस्टिमेटेड दैट एन एक्टिविटी कैन बी असाइंड एन ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन ऑफ 16 डेज. यानी टी नॉट आपको कितना दे दिया भैया, 16 दिन का दे दिया. पेसिमिस्टिक टाइम एज 30 डेज, यानी टीपी आपको 30 दिन का दे दिया. एंड मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन एज 20 डेज, यानी टीएम आपको 20 डेज का दे दिया. नाउ आपको दे दिया ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम. ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है. ठीक है, नाउ बोलता है द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन फॉर दिस एक्टिविटी वुड बी. नाउ हमको क्या निकालना है, इसका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना है, कितना होता है भैया, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6. नाउ आपके पास टी नॉट है कितना, 16 है. ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ टीएम कितना है भैया आपके पास, 20 है. एंड टीपी कितना है आपके पास, 30 का है, डिवाइडेड बाय 6.
When you solve it, you will get expected duration of this activity as 21 days. 21 days. So, ये गलत है option, ये गलत है option. कतई गलत है ये option. Option A is correct, 21 days. Okay? बोलता है, slack time is associated with which of the following? Slack हमेशा कहाँ निकलता है? Event के ऊपर निकलता है slack. अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे होता है भैया, यहाँ पे होता है आपका earliest expected time and latest allowable time. TTL निकलता है. जब आपको slack निकालना होता है, आप क्या करते हैं भैया? TL minus TE कर देते हैं. तो कहाँ निकाला आपने? ये निकाला आपने इवेंट के ऊपर. ठीक है, एक्टिविटी के ऊपर नहीं निकाला, इवेंट के ऊपर. तो ये क्या है भैया? ये एसोसिएटेड होता है सिर्फ और सिर्फ इवेंट से. सो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. अगला बोलता है, द अमाउंट ऑफ टाइम अ शेड्यूल एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ एनी सक्सेसर और वायलेटिंग अ शेड्यूल कांस्टेंट इज कॉल्ड. यानी आप किसी भी सक्सेसर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट को बिना डिले किए हुए, ठीक है, पूरी एक्टिविटी कितने से डिले कर सकते हो, ठीक है, वो टाइम को क्या कहेंगे? उस पर्टिकुलर टाइम को कहते हैं फ्री फ्लोट. आइए डेफिनेशन देखते हैं. फ्री फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ एनी सक्सेसर एक्टिविटी. यानी फ्री फ्लोट के बराबर आप डिले कर दीजिए एक्टिविटी को, आगे वाली एक्टिविटीज जितनी भी हैं उसका अर्ली स्टार्ट कभी भी डिले नहीं होगा. ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन. For a given load rating, the operating radius of crane can be increased by. ठीक है, एक given load rating के लिए कैसे आप operating radius of crane को increase कर सकते हैं? पहला option है increasing the length of arm, definitely. दूसरा increasing the horsepower. इससे बिल्कुल भी नहीं होने वाला. अगर आपको operating radius of crane को increase करना है, तो आपको length of arm को increase करना पड़ेगा. सीधी सी बात है भाई, जितना आप length of arm को increase कर पाएंगे, उतना इसका operating radius बढ़ जाएगा. ठीक है, अगला. Which of the following is a characteristic of hydraulic crane? Hydraulic crane जो कुछ इस तरह से दिखती है, इसकी क्या characteristic है? बोलता है, it has a unique advantage that the boom length and the angle can be changed during the operation. बिल्कुल सही है भाई, आप boom length को और angle को कभी भी change कर सकते हैं during the operation. बिल्कुल correct बात है. बोलता है, it has cantilever arm on both sides. भाई cantilever arm एक तरफ तो है, दूसरी तरफ किधर है? ठीक है, तो एक ही तरफ होता है. तो सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड यहाँ पे रॉन्ग हो गया. ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. तो ये था बेटा आपके लिए मेरे तरफ से एनवायरमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन का एंड सीपीएम का सॉल्यूशन. पेपर फिर से बोल रहा हूँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है. कट ऑफ आपका लगभग लगभग 130 से 150 के बीच में होने वाला है फॉर जनरल कैटेगरी मेल. ठीक है, और फीमेल के लिए थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है, तो कट ऑफ नियरली इतना ही रहने वाला है. पेपर थोड़ा सा अच्छा आया था, इससे एक चीज समझ में आती है कि अब आपको प्रिपरेशन और अच्छी करनी पड़ेगी. जिन बच्चों ने बिना प्रिपेयर के दिया था उनके लिए लास्ट चांस है, क्योंकि इस साल वैकेंसीज खूब सारी आ चुकी हैं अभी तक. ठीक है, करना क्या है आपको? आपको बैचेस के लिए फटाफट से एनरोल करना पड़ेगा. मैंने आपको कहा था आपको सब चीजें प्रोवाइड करूंगा, बट शर्त सिर्फ इतनी सी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. अगर पढ़ोगे ही नहीं तो सिलेक्ट कैसे हो सकते हो? ठीक है, तो जिन बच्चों ने बिना पढ़े लिखे इस पेपर को देख के आए थे और पता चल गया कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिए. जाइए, बैच के रजिस्ट्रेशन करिए और आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल से. ठीक है, सर्वेइंग के साथ मैं ही पढ़ाने वाला हूँ सर्वेइंग आपको. ठीक है, और जिन बच्चों का ऑलरेडी पढ़ के कवर हो चुका है, जिनको सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि हम नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करके आए, उनके लिए मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ GWSSB के पहले, ऑफलाइन मॉक टेस्ट. आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा. ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब करना है, कहाँ करना है, ये सब बताऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम. अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट डाल दो फटाफट से अगर अच्छा लगा हो तो. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम.